ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वेशन दिए गए हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टेन इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस टेन इनवर्स ऑफ बीटा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है आपका, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, या फॉर्मूला हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो फॉर्मूला आपका अप्लाई करोगे तो इट बिकम टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू होल अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, LHS हमने उठा लिया था, यहाँ से आप LHS उठा लीजिएगा, नहीं सॉरी पूरा सिस्टम उठाना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट इक्वल्स टू, और ये हो गया आपका पाई बाई फोर, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स को आप उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इट बिकम टेन ऑफ पाई बाई फोर, और इधर क्या बचेगा आपका, इधर आपको LCM लेना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन टाइम्स x प्लस टू प्लस ये वाला प्लस, फिर x माइनस टू टाइम्स x प्लस वन होल अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस टू टाइम्स x प्लस टू होल अपॉन, अब न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए इसको अलग अलग ब्रैकेट आप कर सकते हो, ऊपर अलग ब्रैकेट नीचे अलग ब्रैकेट, यहाँ भी वही काम कर सकते हैं हम लोग, ऊपर अलग ब्रैकेट और नीचे अलग ब्रैकेट। देखिए इसके नीचे वन है, LCM ले लेंगे, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये वन इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब फाइनली LCM जो आ जाएगा आपका यहाँ पे भी x माइनस टू टाइम्स x प्लस टू आ जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब x माइनस टू टाइम्स x प्लस टू, और माइनस क्या है आपका, x माइनस वन टाइम्स x प्लस वन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये डिनोमिनेटर जो है, इस डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको ये न्यूमरेटर सॉल्व करना है, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक आएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है, और यहाँ पे भी है a माइनस बी और a प्लस बी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और इधर टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी है, वन है, तो ये स्टेप, ठीक है, यहाँ पे आपका, खैर नेक्स्ट स्टेप में वन लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और देखिए फिर क्या करेंगे, एक्स इंटू टू टू एक्स होगा, और माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आएगा, तो टू एक्स से एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका प्लस का एक्स, तो प्लस का एक्स, फिर क्या होगा, माइनस वन इंटू टू, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और वन इंटू टू क्या हो जाएगा, टू हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। प्लस सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई करिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर एक्स इंटू वन एक्स हो गया, और माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स हो गया, तो एक्स और माइनस टू एक्स, तो माइनस का एक्स बचा, ठीक है। फिर माइनस टू इंटू वन माइनस टू आ गया आपका, तो ये ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। नीचे आइए आप, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, एलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हम लोग वन प्लेस कर दिए, यहाँ इम्प्लाई लगा के चलिएगा, ठीक है, इम्प्लाईज। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या हो गया आपका, एक्स और ये माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, माइनस टू और माइनस टू कितना हो गया, माइनस का फोर हो गया। अच्छा नीचे देखिए, ये माइनस जब ये ब्रैकेट आप रिमूव करोगे तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट रिमूव करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, कहीं भी कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का है
और ये एक्स स्क्वायर आपका क्या है प्लस का है, गेट कैंसिल आउट, और माइनस फोर और प्लस वन क्या आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वन। फिर ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इसी स्टेप में हम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो इस अपान का भी कोई मतलब नहीं है। तो क्या आ जाएगा ये वन इंटू माइनस थ्री, इट बिकम माइनस थ्री। फिर फोर इधर ले आएंगे आप, क्या हो जाएगा इधर आके, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस फोर यहाँ से चला गया। अब देखिए माइनस थ्री और प्लस फोर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो ये वन हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई टू। और अगर ये सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि इसके दो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस। जब भी एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस लिखते हैं, और मोर प्रिसाइजली आप इसको लिखो तो प्लस माइनस वन बाई रूट टू, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर।